आइसोकोरिक आइसोबारिक ये सारे के सारे प्रोसेसेस के बारे में आप बात कर रहे थे, और इस सबके साथ बेटे अगर हम फर्दर मोर बेटे डिस्कस करना चाहें, हमारे पास बेटे कंसेप्ट आ जाता है कि ये जो आपने सारे के सारे चेंजेस डिस्कस किए हैं, मे बी साइक्लिक चेंज हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक चेंज हो, आइसोबारिक चेंज हो, इन सारी चेंजेस के साथ रिलेटेड अगर हम इनको बेटे डिफरेंट डिफरेंट लॉज की फॉर्म में स्टडी करना चाहें तो हम बेटे इनको कैसे स्टडी करेंगे, और आपका इस सारे के साथ साथ बेटे स्पेसिफिक हीट्स के कंसेप्ट के साथ साथ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, और वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर हम कैसे देखते हैं। सो आइए बेटे वन बाय वन इन टर्म्स को देखें। सबसे पहले तो हम बेटा जो है वर्क डन की बात करेंगे कि कैसे वर्क डन निकाला जाता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। इसके बाद फिर हम बेटे जीरोथ लॉ के साथ स्टार्टिंग करेंगे। बेटा इमेजिन करिएगा आपके पास ये एक बेटा एनक्लोज्ड गैस है किसी सिस्टम में, किसी वेसल में, और इसका बेस आपका कंडक्टिंग है और आपका ये पिस्टन आपने अटैच कर रखा है इन दिस वे। आइडियल गैस इसमें आपने कंसिडर की, और इस केस में ये पिस्टन आपका नॉन कंडक्टिंग, वॉल्स नॉन कंडक्टिंग, और आपके इस सेटअप का बेस आपने कंडक्टिंग बना रखा है, सो दैट एनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन टू द सिस्टम एंड द सेम कैन बी टेकन फ्रॉम द सिस्टम एट द सेम टाइम। इसका प्रेशर इमेजिन कर लीजिए पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। इसके बाद आपने क्या किया, इसको बेटे हीट एनर्जी सप्लाई कर दी, इसको हीट एनर्जी डी क्यू या क्यू जैसे भी आप बोला करते हो, आपने इसको हीट एनर्जी सप्लाई किया। हीट एनर्जी सप्लाई करने पे जो गैस है इट विल बी एक्सपेंड, एंड व्हेन द गैस विल बी एक्सपेंडिंग इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द इंक्रीज इन द प्रेशर, ये आपका अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर है, तो पिस्टन आपका जो है इट विल मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑल दो थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डी एक्सेट्रा। आप बड़े अच्छे से जानते हो प्रेशर बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया इसके बराबर हुआ करता है, फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और बिकॉज आपका पिस्टन जो है इट इज मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन और आपका जो हीट सप्लाइड है उसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंडिंग अपॉन दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी डन एंड दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स, एंड दिस डी डब्ल्यू एफ आपका पी इंटू ए के बराबर है, डी एक्स आपका एस सच इसके साथ आ जाएगा। सो आपका यहाँ पे जो वर्क डन है बेटा इट विल बी पी डी वी। कई बार हमें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स की जो वैल्यूज हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो उस टाइम पर आप टोटल वर्क डन निकाल सकते हो जस्ट इसको इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करोगे अगर आप इसको तो पी डी वी को वी इनिशियल वी फाइनल आप ऐसे लिख सकते हो, एंड डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पी इंटीग्रल ऑफ दिस डी वी वी वन टू वी आप इस तरीके से मैनेज कर लोगे, और डब्ल्यू इट विल बी इक्वल टू पी इंटीग्रल ऑफ डी वी वी बन गया, वी वन टू वी टू आप कह लीजिए, एंड डियर चिल्ड्रन वर्क डन जो हुआ फिर इट इज पी वी टू माइनस वी वन आप ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर यू कंप्लीट द इंटीग्रेशन प्रोसेस। इंटीग्रेशन के बाद में आप इसको ऐसे कह सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन बेटा सॉल्व फॉर दिस वर्क डन। सारे बच्चे बेटे एक बार सारे स्टेप्स को देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत वाली बात लगती है तो बताइए फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। ऑल ऑफ यू बेटा, हाँ जी बेटे सारे बच्चे एक बार देखो बेटे सारे स्टेप्स को, कुछ भी नहीं है वैसे तो, जस्ट हमने
ए इंटू डी एक्स को डी वी लिख के ही सारे का सारा कर दिया है, फिर भी कोई पॉइंट नहीं पता चला तो बता दीजिएगा बेटा। मंजोत, ख्याति, सहज, दीक्षा, दिलजीत, देवनूर, हरमन, गुरसिमरन, रमनजीत, ठीक है बेटे, नाइस, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड। इसके बाद फिर बेटे हमारे पास आ जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और फिर हम किस तरीके से बेटा ये सारी चीजें जो है डिस्कस कर सकते हैं। लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दैट पार्ट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइए देखें इसके बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेटे अकॉर्डिंग टू दिस जीरोथ लॉ, बेटे बोर्ड क्लियर है सारे बच्चों को? इमेजिन करिएगा आपके पास बेटे एक सिस्टम है, इस सिस्टम में इस तरीके से पार्टीशन की गई है, दिस वे एक आपका कंपार्टमेंट ए है, एक कंपार्टमेंट बी, एक सी है। ए और बी को आपने एडियाबैटिक वॉल के साथ सेपरेट कर रखा है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब होगा बेटे कि आपका सिस्टम ए जो है दैट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद द ऑब्जेक्ट बी इन द डायरेक्ट मैनर। लेकिन ये वाली दीवार की बात कर रहा हूं, इट इज एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि जो हीट का एक्सचेंज अलाउ नहीं करता है, आपने एडियाबैटिक वॉल बना के रखा हुआ है। इसके बाद ये वाला डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल मतलब ये कंडक्टिंग वॉल है, ये हीट का एक्सचेंज अलाउ कर देता है, दिस इज डायाथर्मिक वॉल बेटे। अब आप क्या करिए, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, ये जो सिस्टम ए है ये सी के साथ इन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, बी सी के साथ इन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, इनका हीट एक्सचेंज अलाउड है। आफ्टर सम टाइम ए और बी आपस में भी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, बिकॉज व्हेन द टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सेपरेटली, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दिस इज व्हाट आवर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज बेटा। अगेन एक बार फिर से पुत्र समझिएगा, व्हेन द टू सिस्टम्स सेपरेटेड बाय एन एडियाबैटिक वॉल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सेपरेटली, दे आर इन देमसेल्व्स in equilibrium with each other also. I mean to say that statement part mein pehle bete likh deta hun. According to zeroth law of thermodynamics, if two systems are in thermal equilibrium, with a third system separately, then they are in equilibrium with each other
ऑल्सो। इस चीज को बेटे हम कुछ इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ए आपका इन इक्विलिब्रियम विद सी है, ये आपका यहां पे देखिए हीट एक्सचेंज जो है इट इज अलाउड। ऐसे ही आपका बी जो है इट इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। बेटा आप इसको बी को इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी लिख सकते हैं। यू मे कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन एंड सेकंड एज इक्वेशन नंबर वन टू। बेटा तो इनका दोनों का राइट हैंड साइड बेटे सेम है, इट विल इंडिकेट दैट फ्रॉम वन एंड टू दैट ए इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी। ये तीन लाइनें जो ड्रॉ की हैं इसका मतलब है इन थर्मल इक्विलिब्रियम बेटा। सो डियर डियर चिल्ड्रन अगेन देखिएगा, कंडक्टिंग वॉल था ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, थोड़ी देर के बाद इनका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है इनका भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बेटे आपका जो ए और बी है दे विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सो दिस इज बेटे योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल बेसिक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का ये। इसके बाद फिर बेटे हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, व्हाट डू वी मीन बाय। बेटे इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, हरनूर, अंजलि, इश्नूर, जैकलीन, ख्याति, मनजोत, मिताली, नमन, रमन, राघव, सहज, ओके नाइस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटे आइए देखें क्या है और कैसे हम इसके साथ बच्चों डील कर सकते हैं। लेट अस फोकस अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, इस लॉ के अकॉर्डिंगली आप किसी भी एनक्लोज्ड गैस को या सिस्टम को अगर हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो वो जो हीट एनर्जी है बेटे दो पर्टिकुलर वेज में यूज हो जाया करती है। एक पार्ट उस सप्लाइड हीट एनर्जी का सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाता है एंड सेकंड पार्ट उसका जो है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के साथ साथ गैस की एक्सपेंशन में या एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करने में यूज हो जाया करता है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द स्टेटमेंट पार्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटा इट स्टेट्स दैट द हीट एनर्जी सप्लाइड टू ए सिस्टम इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। सो डियर चिल्ड्रन इमेजिन कर लीजिएगा कि डी क्यू जो है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड। आपने जितनी हीट एनर्जी सिस्टम को दी है, आप सिस्टम भी इमेजिन कर सकते हैं ऐसे, इमेजिन कर लीजिएगा ये आपके पास एक सिस्टम जिसमें कंडक्टिंग बेस है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, यहाँ पे आपने पिस्टन एक लगा रखा है,
ये भी आपका नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है, इसमें आपने गैस फिल कर रखा है, आपका आइडियल गैस आप कह सकते हो, प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी है, और इसको आपने हीट एनर्जी डी क्यू जो है ये दे दी, और यही डी क्यू आपने इधर लिखा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, एंड डी यू दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बेटे जो है इसकी बढ़ गई बाई एन अमाउंट डी यू बेटा, और डी डब्ल्यू लेट इट बी द वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका पिस्टन थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाया करता है बाई दिस डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बेटे। सो अब आपका बेटे फर्स्ट लॉ ये कह देता है, यहां पर ये इंडिकेट कर देता है रादर दैट दिस हीट सप्लाइड डी क्यू दिस इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आप ऐसे कह लीजिए, अगर आप डी डब्ल्यू को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इट्स इक्वली एप्लीकेबल, इट इज डी डब्ल्यू इज पी डी वी, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि ये आपने जो हीट दी, डी क्यू हीट आपने सप्लाई किया, इसने इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज कर दिया और एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट इतना वर्क इसने करके आपको बेटा दिखा दिया। सो इन दिस वे आप अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, इसको यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसका स्टेटमेंट पार्ट इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए हम हमारा जो फर्स्ट लॉ है इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट हमारे जितने भी हमने प्रोसेसेस बात की थी प्रीवियस पीरियड में, उन प्रोसेसेस को अगर हम डायरेक्टली फर्स्ट लॉ अप्लाई करके एनालाइज करके देखें तो कौन कौन सी इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं। सो आइए बेटे अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए जो आप मॉर्निंग टाइम आपने डिस्कस किए थे। आइसोथर्मल प्रोसेस है आपका, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, साइक्लिक चेंज है, और कई बार आपको वो लेटेंट हीट की टर्म्स में भी पूछ लेते हैं, तो दैट शुड आल्सो बी नोन टू अस। सो आइए बेटे सबसे पहले बात करके देखें आइसो थर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस डियर चिल्ड्रन, जैसे आप मॉर्निंग टाइम बात कर रहे थे कि ये वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर सिस्टम का जो है इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर सिस्टम का ना बढ़ता है ना कम होता है। अगर बच्चों टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है इट विल मीन दैट कि चेंज इन द टेम्परेचर बच्चों जीरो हुआ, और बेटे आपका जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का यू, ये बेटे सीधा सीधा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अगर आप अपने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को नहीं बदलते हैं, चेंज उसमें कोई नोटिस नहीं करते हैं, दैट विल मीन दैट कि आपका जो सिस्टम है बिकॉज टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल स्टे एज सच। और आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और डियर चिल्ड्रन अब आपका डी यू तो है कुछ नहीं है, जितनी भी आपने हीट दी है ये पी डी वी में कन्वर्ट हो गई है, या आप ये कह लीजिए कि आपका जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है डी क्यू जो है इट इज होली सोली यूज इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। एक बार बच्चों फिर से समझिएगा, आइसोथर्मल चेंज है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर बेटे कॉन्स्टेंट रहता है, चेंज इन द टेम्परेचर जीरो आ जाएगा बिकॉज टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी, उसमें भी चेंज कोई नहीं आएगा, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट पार्ट है। इसमें डी यू को जीरो पुट कर दिया
डी क्यू पी डी वी के बराबर आ गया, पी डी वी आपका वर्क डन नहीं होता है। सो जितना भी आपने हीट एनर्जी सप्लाई किया आइसोथर्मल चेंज में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो सारे का सारा वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर परफॉर्म करने में यूज हो गया। दिस इज विट हो यू कैन डिस्कस योर आइसोथर्मल प्रोसेस विद। सो डियर चिल्ड्रन, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी बेटे, एक बार बता दिया करो बेटा। अंजलि, हरनूर, इशनूर, जैकलिन, ख्याति, मंजोत, मिताली, नमन, रमन, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड बेटे हमारे पास प्रोसेस है जी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा जैसे आपने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, ये वो प्रोसेस है जिसमें बेटा हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्यू जो है इट इज कॉन्स्टेंट। अगर हीट एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी तो चेंज इन द हीट एनर्जी डी क्यू विल बी जीरो बेटा। और आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, पहले लिख देता हूं, या फिर आप ऐसे लिख लो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी कर देता हूं मैं। अब आपका बेटे डी क्यू बिकॉज जीरो है, इसकी जगह पर आप जीरो लिख लीजिए, डी यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू जीरो, या आप ऐसे कह लीजिए इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी और डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब बेटे क्या हुआ, देखिए आपका प्रोसेस एडियाबैटिक हो रहा है, इस प्रोसेस में आप हीट बाहर से नहीं दे रहे हैं लेकिन आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी फिर बेटे जो है उसमें फॉल आ जाएगा, कम पड़ जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी, दैट विल डिक्रीज। ये नेगेटिव साइन इंटरनल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ योर सिस्टम। वैसे भी बेटे आप सोचिए कि आपके पास एक सिस्टम है, गैस है आपने इनक्लोज किया हुआ किसी कंटेनर में और आपने बाहर से हीट जो है उसको नहीं दी है, लेकिन आप अपने सिस्टम के पिस्टन को एक्सपेंड कर रहे हो, बाहर की तरफ मूव कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो उस गैस का एक्सपेंशन होगा बिकॉज आपने हीट तो दिया नहीं है, दैट विल रिजल्ट इन टू द फॉल इन द टेम्परेचर, और फॉल इन द टेम्परेचर आपको डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी दे देगा। अदरवाइज आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखना पड़ेगा तो वो फिर आप बेटे इसके वर्क डन जितना भी आपने किया है एक्सपेंशन के लिए उसको निकाल कर कर सकते हैं। सो ये बेटे आपके पास था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। देन तीसरा है आइसो बारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर जो है ये बेटा कांस्टेंट होता है। प्रेशर के लिए डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी आप ऐसे लिख सकते हो। इस केस में आपने देखो बेटे प्रेशर को नहीं चेंज करना अलाउ किया, फिर इंटरनल एनर्जी बेटे कैसे आप निकाल पाओगे, दैट विल बी इक्वल टू डी यू माइनस पी डी वी, कुछ ये इस तरीके की इक्वेशन आपके पास जो है आइसोबारिक प्रोसेस की बेटा बन जाती है, जिसमें आप कह देते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है वो डी क्यू टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड माइनस वर्क कितना हुआ है उस केस में, that is the internal energy by calculations with up. Then बेटे इसके बाद है isochoric process. Isochoric का मतलब होता है जिसमें आप वॉल्यूम को नहीं बदलते हैं, वॉल्यूम आपका फिक्स्ड होगा बेटा। लेट अस सी टू दिस isochoric process. बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में बी हमने कांस्टेंट रखा,
अगर बेटे v कांस्टेंट होगा तो dv कितना होगा बेटा, वैभव वंश, वंश यस सर। बेटे dv कितना होगा फिर अगर v कांस्टेंट है तो, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा तो चेंज इन द वॉल्यूम कितना आया जैकलिन? जीरो। जीरो, वेरी नाइस। आपका ये फिक्स्ड है तो इसमें चेंज तो आया ही नहीं बेटे, दैट विल बी जीरो। नाइस, सो आप सीधा ही फर्स्ट लॉ लगा लीजिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को एक्सपेंडेड वे में लिख लो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आ गया, डी क्यू माइनस पी डी वी। अब देखिए डी वी तो आपका है ही नहीं है, जीरो है, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो टोटल हीट एनर्जी सप्लाई के बराबर ही आ रहा है। सो इन दिस वे बेटे हम जो हमारा इंटरनल एनर्जी सिस्टम का है ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट लॉ इन द केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा निकाल सकते हैं, राइट बेटा। इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में हम किस तरीके से जो है ये डिस्कशन कर सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस बेटा बेसिकली बेटे ये वो प्रोसेस हुआ करता है जिसमें आपका सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस में से पास करने के बाद इनिशियली फिर अपने अपना जो उसका इनिशियल स्टेट होता है उसी में वापस लौट आता है। मतलब कि आपके सिस्टम पर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आती हैं लेकिन वो सारी चेंजेस को कंप्लीट करने के बाद फिर अपने इनिशियल जो स्टेट है उसमें अगर पहुंच जाए उस सिस्टम को हम साइक्लिक प्रोसेस बोल देते हैं। मैं एक बार डिफाइन कर लूं फिर बेटे निकालता हूं। साइक्लिक प्रोसेस जो है इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग सो मैनी चेंजेस। सो इसका मतलब तो यही हुआ बेटा बिकॉज आपका सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया है इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए। डी यू जो है इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर डी यू जीरो है आप फर्स्ट लॉ इस तरीके से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू जब लिखते हो आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में भी लिख सकते हो डी यू प्लस पी डी वी। अब ये तो टर्म बच्चों है ही नहीं है, आप जितनी भी यहाँ पे बेटे इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं या एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी वर्क परफॉर्म करने में यूज हो रही है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ये दोनों एक ही बात है। आप इस तरीके से इस रिलेशनशिप को बेटा मैनेज कर सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन, सारे बच्चे एक बार बताइए ये बेसिक्स आपको समझ आ गए हैं सारे बच्चों को पुत्र? ओके बेटा, मैं फिर आगे नहीं चल रहा हूं, मैं यहाँ पे फिर एंड कर रहा हूं मीटिंग को। किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। किसी भी स्टूडेंट को कोई बात नहीं पता चली तो आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है बेटे? फिर इससे आगे हम कल चलते हैं। सो थैंक यू ऑल बेटे, हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू ऑल बेटा।